आज मैं बच्चों की सेफ्टी के बारे में बताने लगी। ठीक है, पहले मैंने एक मिनी सा क्यूट सा पर्स बनाई हूँ, ये पेपर से बना है। चलिए स्टार्ट। सबसे पहले मैंने इसमें लिखी हूँ सेफ्टी पर्स, ये बच्चों की सेफ्टी का है। जैसे कि बच्चे घूम जाते हैं कहीं भी या छूट जा रही है, उन्हें सेफ्टी करेगा। ये देखिए, ये चीजें हैं सेफ्टी की। ये सब चीजें हैं, इसमें मैं आपको सब चीजें बताती हूँ क्या क्या है। ये तो ऐसे ही है। सबसे पहले अपन को एक्स्ट्रा पेंसिल्स रखना है। ये छोटी इसलिए है क्योंकि मेरे पास छोटा पर्स है, तो ये छोटी रखूंगी। पेंसिल टू एक्स्ट्रा एंड टू इरेजर्स एक्स्ट्रा, वन शार्पनर, क्योंकि शार्पनर तो कभी खराब हो गई नहीं। एंड मैं ये चिट के बारे में बताती हूँ। और ये जेलोसिन, ये दवाइयाँ हैं। और ये रिम्स, ऐसी दवाइयाँ भी जरूरत में पड़ती हैं। अब इसको देखते हैं। ये वाली चिट में मैंने लिखी हूँ और नेम ऑफ फैमिली मेंबर्स। इसमें हमारे डैडी का नाम ना, मेरी छोटी बहन का नाम नाइमा, मेरा नाम शीरीन, तो पूरी फैमिली मेंबर्स का मैंने नेम लिखी हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अभी गोंदिया में रहते, पहले नागपुर में, तो फिर मैं नागपुर का और गोंदिया का दोनों का एड्रेस लिखी हूँ। एंड डैडी का, मम्मी का एंड हमारे डैड का, तीनों का नंबर लिखी हूँ, फोन नंबर मैंने। ये हो गई फर्स्ट चिट। सेकेंड चिट है ये वाली, ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ये देखिए, इसमें लिखा है हाउस पासवर्ड। जैसे कि आप अपने घर में, मम्मी डैडी नहीं है घर में, और कोई खटखट आया कोई और उसने बोला बेटा आपकी मम्मी वहां पर बुला रही है, तो फिर अपन तो चल जाएंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना, पहले आप हाउस पासवर्ड बताइए। आपके भी घर का हाउस पासवर्ड होगा, आपकी मम्मी या डैडी ने बताया होंगे, तो फिर पहले उनसे हाउस पासवर्ड पूछना है। तो फिर वो जो बताए, अगर वो सही हो तो उनको अंदर आने देना और उनके साथ चलना, और अगर गलत बताए तो नहीं, पूरा दरवाजा सब पैक कर लेना और कुछ नहीं बोलना। एंड ये बहुत बड़ा पेपर है ना, इसमें तो कुछ नहीं लिखा है। ये ऐसा है कि अगर कुछ लिखने के काम आ गया या अपन को चोट लग गई, गिर गए, तो फिर उस पर ये लगा सके, या कोई चीज लिखना है तो। ये होती है सेफ्टी की चीजें। आप भी ऐसा बनाइएगा एंड फिर फोटो भेजेंगे आप। बाय। तो फिर वो